टू पार्टिकल है और इन दोनों का मास अलग अलग है, एम वन और एम टू दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज गिवन। दो पार्टिकल है, एक बार क्वेश्चन यहाँ पे समझा दे देता हूँ, ठीक है, कि दो पार्टिकल है, एक का मास एम वन है और दूसरे का मास एम टू है, ठीक है, और इनकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है, यू वन है और यू टू है, ठीक है, ये अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं। ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल एक्साइटेड टू हायर लेवल। अब देखो जो है टू पार्टिकल एम वन एम टू, अब जब कोलिजन हुआ, ये तो कोलिजन से पहले की बात है, कोलिजन से पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, जब कोलिजन हुआ तो उनकी वेलोसिटी बदल गई होगी यार, क्या हो गई होगी, बी वन बी टू ऐसा क्वेश्चन में बताया गया होगा। साथ साथ कोलिजन के बाद एक और इंसिडेंट हुआ है कि आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग एनर्जी ई, ठीक है, आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग एक्सटर्नल एनर्जी, देखो जब दोनों का कोलिजन हुआ तो उनकी जो वेलोसिटी है वो बी वन बी टू हो चुकी, लेकिन अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी भी इस सिस्टम में ई जुड़ रहा है, ठीक है। ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल आफ्टर एनर्जी अब्सॉर्बिंग ई, तो ई एनर्जी एक्सटर्नल अब्सॉर्ब करने के बाद ये कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा, ठीक है। तो चलो एनर्जी कंजर्व करा दो, टोटल एनर्जी इनिशियली लग लेते हैं, तो टोटल एनर्जी इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनली, टोटल एनर्जी इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनली, तो टोटल एनर्जी इनिशियली हाफ एम, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, हाफ एम टू स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल एनर्जी इसका मैं लिखूँ तो फाइनल एनर्जी लिखूँ तो हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू, एम टू वी टू स्क्वायर और प्लस एनर्जी हमने ई एड कर दिया, ठीक है ना, एक्सटर्नल एनर्जी ई। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वही मुझे चेक करना, उस ई को इधर लेके आओ तो ये बनेगा फर्स्ट ऑप्शन सही है, कुछ कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में, एनर्जी कंजर्व करा दो, ठीक है, एनर्जी कंजर्व करा दो, इनिशियल एनर्जी फाइनल की एनर्जी हो, ये प्लस एक्स्ट्रा ई एड हुआ कोलिजन के बाद, ठीक है, आसान सवाल था, द बेस्ट